नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज इस बहुत छोटे से वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ की स्टोरी द टाइगर किंग को वर्ड बाई वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इसके राइटर हैं मिस्टर कल्कि, जिन्होंने एक राजा की कहानी को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है, जो एक बहुत बड़ा शिकारी था और जिसका अंत बड़ा ही रोमांचक था। आइए कहानी के ट्रांसलेशन के पहले भाग में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये राजा आखिर कौन थे और उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो ये कहानी इतनी। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के महाराज इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की जा सकती है एज हिज हाइनेस महाराज अधिकार, जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्य व्याग्रह संहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के, इस नाम से उनकी पहचान हो सकती है। बट दिस नेम इज ऑफ्टन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन इतना लंबा सा नाम याद रखना ज़रा मुश्किल है, तो इसे छोटे में याद किया जाता है और उन्हें कहा जाता है टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं आपको ये बताने आया हूँ वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, आखिर उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, मेरा इस बात का कोई इरादा नहीं है कि मैं इस कहानी को पहले आगे बढ़ाऊँ, ओनली टू एंड और उसे समाप्त करूँ इन ए स्ट्रेटेजिक विदड्रॉल बड़े योजनाबद्ध तरीके से। इवन द थ्रेट ऑफ स्ट्रका बॉम्बर, स्ट्रका बॉम्बर्स भी, बम्बर्शा करने वाले भी, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, मुझे इस रास्ते से पीछे नहीं हटा सकते। द स्ट्रका इफ इट लाइक्स, अगर स्ट्रका खुद चाहें, कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट, जल्दी से पीछे हट सकता है फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी इस कहानी से। राइट एट द स्टार्ट, कहानी के शुरू में, इट इज इम्पेरेटिव, ये बड़ा आवश्यक है टू डिस्क्लोज, बताना अ मैटर कि ये मसला है ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस, बड़ी ही महत्व का ये जो मुद्दा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अबाउट द टाइगर किंग, क्योंकि ये टाइगर किंग से जुड़ा है। एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम, प्रत्येक व्यक्ति जो उनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, अनुभव करेगा द नेचुरल डिज़ायर, एक प्राकृतिक इच्छा की, टू मीट अ मैन, एक ऐसे आदमी से मिलना, ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, जिसमें अदम्य साहस हो, फेस टू फेस हो, जो हर चीज़ का सामना कर सके। बट देर इज नो चांस, लेकिन कोई अवसर अब बचा नहीं है ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, इस इच्छा को पूरा करने का, एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड, टाइगर किंग पहुंच चुका है दैट फाइनल अबोर्ड, वो अपने अंतिम घर में, ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, जहां सारे प्राणी जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मरने का एक जो तरीका है, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, अद्भुत इंटरेस्ट भरा हुआ है, रोचकता से भरा हुआ है। इट कैन बी रिवील्ड, ये बताया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है, ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, केवल कहानी के अंत में, जिससे इसका इंटरेस्ट बना रहे। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट, इसका सबसे जो शानदार जो पहलू है, ऑफ हिज डिमाइस, उसकी मृत्यु का, वाज दैट एज सून एज ही वाज बॉर्न, की जैसी वो पैदा हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फॉरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स ज्योतिषियों ने फॉरटोल्ड, मैंने भविष्यवाणी कर दी थी, दैट वन डे, कि एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि उसे एक दिन मरना होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, बच्चा जब बड़ा होगा योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, और विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होंठ काटे, एंड स्वालोड हार्ड, और बातों को निगलने की कोशिश की, व्हेन कंपेल्ड, जब उन्हें जोर दिया गया टू कंटिन्यू, अपनी बात को जारी रखें, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तब जाके ज्योतिषी ने कुछ कहा, दिस इज ए सीक्रेट, ये रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जो किसी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए, एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी हम
इस दबाव में ऐसा कह रहे हैं, बता रहे हैं, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, बच्चा इन सितारों के साथ पैदा हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, इसे एक दिन अवश्य मरना ही होगा। एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी क्षण, अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, एक अद्भुत चमत्कार हुआ, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ड, एक आश्चर्यजनक वाक्य निकला फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर, 10 दिन के बच्चे जंग जंग बहादुर से। ओ वाइज प्रोफेट्स, ए विद्वान भविष्य वक्ताओ, एवरीवन स्टूड, प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो गया, ट्रांसफिक्स्ड, हैरान, भौचक्का, इन स्टिपफैक्शन, पागलों की तरह, दे लुक्ड, वे देख रहे थे, वाइल्डली एट ईच अदर, बड़ी हैरानी से एक दूसरे की ओर, एंड ब्लिंक्ड, और पलकें झपका रहे थे। ओ वाइज प्रॉफिट्स, ये विद्वान भविष्य वक्ताओ, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं ही हूँ जो बोला हूँ, दिस टाइम, इस बार, देयर वेयर नो ग्राउंड फॉर डाउट, अब संदेह की कोई ज़मीन नहीं थी, कोई स्थान नहीं था, इट वॉज द इन्फेंट, ये वही मासूम बच्चा था, बॉर्न जस्ट 10 days एगो, जो सिर्फ 10 दिन पहले पैदा हुआ, हु हैड इन इनिशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जो इन इनिशिएटेड अनाउंस कर रहा था, घोषणा कर रहा था, जो बोल रहा था शब्दों को इतनी सफाई से, द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य भविष्यवक्ता थे, टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, चश्मा उतार लिया, एंड गेज्ड, देखा इंटेंटली, बड़े ध्यान से, उत्सुकता से, एट द बेबी, बच्चे की ओर, ऑल दोज हु आर बॉर्न, वे सभी जो पैदा हुए हैं, विल वन डे, एक दिन, हैव टू डाई, उन्हें मरना होगा, वी डोंट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है, योर प्रेडिक्शंस, आपकी भविष्यवाणियों की, टू नो दैट, ये जानने के लिए, देयर वुड बी सम सेंस, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ खास बात होगी इन इट, इसमें, इफ़ यू कुड टेल अस, अगर आप ये बता सकें, द मैनर ऑफ दैट डेथ, उस मृत्यु का, उस मौत का प्रकार क्या होगा, तरीका क्या होगा, ढंग क्या होगा, द रॉयल इन्फेंट, उस राजसी बच्चे ने अटर्ड, माने कहा, दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, इन हिज लिटिल इस क्विकी वॉइस, अपनी बच्चों जैसी तीखी आवाज में, द चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य भविष्यवक्ता ने प्लेस्ड, रखी हिज फिंगर, अपनी उंगली, ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर, इन वंडर, माने आश्चर्य से, आ बेबी, एक बच्चा, बेयरली 10 days old, मात्र 10 दिनों का, ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, अपने होंठ बोलने के लिए खोल रहा है, नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ये बुद्धिमानी के प्रश्न रेज उठा रहा है या पूछ रहा है, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाई द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, ऐसे प्रश्न जो युद्ध कार्यालय से जारी हुई विज्ञप्तियों के भांति थे, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, मुख्य भविष्यवक्ता ने अपनी उंगली नाक पर से हटाई, एंड फिक्स्ड हिज आईज, और अपनी आंखें स्थिर कर दी अपॉन द लिटिल प्रिंस, छोटे से राजकुमार पर, द प्रिंस वॉज बॉर्न, राजकुमार पैदा हुआ है, इन द आवर ऑफ द बुल, एक जो बुल होता है, बैल, उसके समय में, काल में, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बैल और चीता एक दूसरे के शत्रु हैं, देयरफॉर, इसीलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, मौत जो आएगी वो शेर के रूप में, चीते के रूप में आएगी, ही एक्सप्लेन, उसने इस बात की व्याख्या की। यू मे थिंक, आप सोच रहे होंगे, दैट क्राउन प्रिंस, राजकुमार जंग जंग बहादुर, वाज थ्रोन इन टू अ क्विक, भय से कांपने लगा होगा, वैन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने बाघ या चीता सुना होगा, दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, सच में ऐसा नहीं हुआ, एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जब उसने ये शब्द सुना बाघ, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल, उस जोर से घुर्राने की आवाज़ आई, टेरिफाइंग वर्ड्स, डराने वाले शब्द एमर्ज्ड, निकले फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होंठों से, लेट टाइगर्स बिवेयर, बाघों से कहो सावधान रहें, दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर, ये एक अफवाह हो सकती है, राइफ इन प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम में फैली हो, बट विद हिंड साइट, लेकिन अगर बाद की घटनाओं का अनुमान हम लगाएंगे, वी मे कंक्लूड, हम
अंदाज़ा लगा लेंगे इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा कहानी का ये पहला भाग? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। मिलते हैं अगले वीडियो में कहानी के अगले भाग में। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।